भाई ये है बॉक्स हेलमेट का, तो थोड़ा डिटेल्स बताता हूँ हेलमेट के बारे में। तो आप देख सकते हैं हेलमेट नेम ऑफ द प्रोडक्ट हेलमेट, नेट कंटेंट 1 एंड एक्स्ट्रा वाइजर फॉर नाइट यूज, कोड SBA2 डैशिंग, कलर ब्लैक, साइज 600 mm, यानी कि ये लार्ज हेलमेट है। वाइजर इसका जो टिंटेड वाला है वो ब्लू है, और इसका रेट बाप रे। तो चलो अनबॉक्स कर दे। सो गाइस ये है बॉक्स, अभी चलो इसको अनबॉक्स करते हैं। मैं इससे अनबॉक्स करने वाला हूँ, मेरे पास और दूसरा कुछ नहीं है, तो ये नाइफ से ही अनबॉक्स कर दे। वो क्या मिलेगा अपने को, ये मिलेगा एक प्लेन वाइजर, सकते हैं एक प्लेन वाइजर नाइट के लिए। अच्छा है, आप देख सकते हैं पूरा ड्यूरेबल है, अच्छा है। एक प्लेन वाइजर मिलता है, और ये अपना हेलमेट। सो गाइस ये रहा हेलमेट, इसका पहले ये कवर निकलते है वाइजर वाला, बहुत मजा आता है ये करने। वाह, सो गाइस आप देख सकते हैं इसका ब्लू वाइजर है, बहुत मस्त दिख रहा है। पहले मैं पहन के दिखाता हूँ कैसा है। देखो मस्त है, एक्चुअली एल साइज है, मेरे लिए बड़ा साइज है। एनीवेज कोई बात नहीं, रिव्यू के ही तो करना है। असली मजा इसका इसमें है, टोप फुल डोप, देख लो आप भी। ऐसा लगता है कि कोई तो एलियन ही है हम लोग। चलो अभी ये हेलमेट के बारे में कुछ जान लेते कि कैसा है ये सब, फिर बाद में इसके हम लोग टेस्ट करेंगे। वो सब टेस्ट नहीं, टॉर्चर वॉर्चर वाले, नॉर्मल टेस्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहले बात करते हैं हम लोग ये हेलमेट के वाइजर की। ये जो हेलमेट है इसका लॉन्ग वाइजर वाला हेलमेट है, आप देख सकते हैं यही हेलमेट का एक फीचर है। और आप देख सकते हैं मस्त डिज़ाइंड हेलमेट है, ये मस्त हेलमेट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर ऐसे मार्क नहीं है, मेरे को नहीं मालूम क्यों ऐसा, बट इधर लिखा है डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन पेंडिंग। और जब भी मैं वाइजर खोलता हूँ इधर अंदर एक ऐसे मार्क है, आप देख सकते हैं। कुछ तो रहेगा क्योंकि बहुत लोग को भी ऐसे हेलमेट मिले हैं, क्या मालूम स्टील बड़ का है, क्या लॉजिक है। ये जो स्टील बड़ हेलमेट का जो इनर स्ट्रैप है ये नॉर्मल SBA1 जैसे ही है नॉर्मल। आप देख सकते हैं इधर स्टील बड़ की ब्रांडिंग की हुई है, स्टील बड़ एयर। और फिर अपने को सिर्फ ये पुल करने का है, नॉर्मली है ये, अच्छा है। और काफ़ी स्टील बड़ ने ये हेलमेट में बहुत इंप्रूव किया, इन लोग की इनर पैडिंग बहुत ही अच्छी की है स्टील बड़ ने कंपेयर टू SBA1 में। ये बहुत ही अच्छी इनर पैडिंग दी है स्टील बड़ ने, और इनका वेलक्रो दिया है इधर। और एक अच्छा ये जो पैडिंग है पूरी ये रिमूवेबल है, आप देख सकते हैं पूरी निकलती है, और आप वॉश वगैरह भी कर सकते हैं, बट अभी मैं खोल रहा नहीं हूँ, बस रिमूवेबल ये बताना था। बात करेंगे तो ब्रांडिंग की, स्टील बड ने तो स्ट्रैप पे ब्रांडिंग है, अंदर एयर लिखा है, उधर एक स्टील बड का, उधर एक उधर लिखा है स्टील बड ने। तो आप देख सकते हैं ज़्यादा स्टील बड ने ब्रांडिंग के तरफ ध्यान भी दिया है सब। इधर स्टील बड आप देख सकते हैं, इधर भी स्टील बड का ब्रांडिंग, फ्रंट पे भी इधर टॉप पे स्टील बड की ब्रांडिंग है। बात करते कि बहुत लोग बोल रहे कि इसके ऊपर अभी हम लोग हाथ रखते तो प्रिंट्स आते, तो ये असली है, आप देख सकते हैं प्रिंट्स आते हैं, ये देखो हाथ के प्रिंट्स इसके ऊपर आ जाते हैं। बट नॉर्मल क्लोथ से आप लेके इसको भी क्लीन कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है, प्रिंट का हाथ का तो कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है वो। ये देख सकते हैं इसे प्रिंट्स आते हैं, तो आपको एक क्लॉथ लेके नॉर्मल पहुँचना पड़ता है, ये निकल जाता है, तो ये ज़्यादा कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। सो गाइस अभी बात करते हैं हेलमेट के वेट की। ये हेलमेट का वेट है कुछ 1 kg के ऊपर है, 1280 ग्राम है ये हेलमेट का वेट, और 600 mm है वो कि जो कि एल साइज है। मेरे लिए थोड़ा बड़ा हो रहा है ये हेलमेट, हेलमेट का वेट मेरे हिसाब से ओके ठीक है कंपेयर टू मेरा जो SBA1 था। आप देख सकते इसका ये मेरे को बहुत हल्का लग रहा है अभी, क्या मालूम मैंने ज़्यादा टाइम यूज़ किया इसके लिए इसका वेट कम हो गया, ऐसा होता है कि नहीं क्या मालूम, बट इसका भी नीचे उतना ही दिया है, 80 ग्राम्स कम है, वही तो इधर 1200 ग्राम्स दिया है।
इसमें 1280 ग्राम से ये SBA 2 कंपेयर टू SBA 1 ये हेलमेट हैवी है। और ये आप देख सकते हैं आपको इसके साथ ये कुछ मिलता है, इसके अंदर कुछ इन लोगों ने वाउचर्स दिए जो कि सब बकवास है मेरे को तो लगता है। वेंटिलेशन की बात करते हैं तो वेंटिलेशन का भी स्टीलबर्ड ने बहुत अच्छा ध्यान रखा है। ये आप देख सकते हैं स्टीलबर्ड ने इधर वेंटिलेशन के लिए होल्स दिए वेंटिलेशन के लिए, और ये इनर एयर निकलने के लिए ये पीछे ऐसे होल्स दिए आप देख सकते हैं। स्टीलबर्ड ने इसका अच्छा ध्यान रखा है वेंटिलेशन का, आप देख सकते हैं ऊपर भी बहुत होल्स है, आप देख सकते हैं अब ये बंद हो गया है वेंटिलेशन, अभी ये ओपन है आप देख सकते हैं पूरा मतलब वेंटिलेशन फ्लो इसका अच्छा है। आप देख सकते हैं अंदर का शेल दिखता है जो कि थर्मोकोल होता है वाइट आप देख सकते हैं, क्या मालूम नहीं बट अंदर शेल दिखता है इधर से। चलो और एक इसका मेरे को तो एक डिसएडवांटेज हेलमेट का क्या लगा आपको बता देता हूँ, इसका जो वाइजर चेंजिंग का प्रोसेस है बहुत ही घटिया है आप देख सकते हैं, आपको स्क्रू से खोलना पड़ता है। तो गाइज मेरे पास स्क्रू नहीं है तो मैं इससे ही खोल रहा हूँ बस दिखाने के लिए, प्रोसेस बहुत घटिया है। ये वाला पार्ट खोलने के बाद अंदर एक स्क्रू दिखता है, ये स्क्रू खोलने के बाद आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है। स्क्रू ड्राइवर नहीं है, मैं नाइफ से खोल रहा हूँ। ये स्क्रू निकाला, इसको डिसमेंटल पूरा करना पड़ता है अगर वाइजर चेंज करने का। अभी ये खोलने के बाद देखो अभी कैसे पार्ट सब गिर जाते हैं, देखा ये इसका एक पार्ट, ये इसका दूसरा पार्ट, ये हो गया और एक नीचे गिर गया, एक सेकेंड, ये रहा चौथा पार्ट। तो वाइजर चेंज करने के लिए ये सब चेंज करना पड़ता है, तो ये टेक्निक बहुत ही घटिया है। मैं आपको मेरे SBA 1 की दिखाता हूँ, इतना अच्छा उसका वाइजर चेंजिंग का टेक्निक है, मैं बताता हूँ उसका वाइजर चेंजिंग का टेक्निक इतना अच्छा। आप देख सकते हैं इधर एरो है, एक आपको दिख रहा है कि हाँ ये देखो एक एरो है, ये एरो को अपना रेड जो है पोर्शन, हाँ ये एरो को रेड पोर्शन के सामने लाने का है आप देख सकते हैं। इसको ये रेड पोर्शन के लाने के बाद अपने को ये पोर्शन पीछे लेके उंगली से बस ऐसा करने का है, देख सकते कितना इजी टेक्निक, ना कुछ कुछ पार्ट निकला ना कुछ निकला, इसका ये टेक्निक SBA 1 का बहुत अच्छा है। SBA 1 का देख सकते हैं एक वाइजर चेंज करने के लिए अपने को इतना ये सब पार्ट्स निकलता है, लगाने का भी टेक्निक इतना इजी मैं आपको बता देता हूँ। हाँ इसको एरो के वही पोजीशन में वापस लाने का, इधर से अंदर पुश करने का, थोड़ा हेलमेट को ऊपर करने का, इसको पुल नीचे, हो गया। देखा आपने ये वाइजर चेंजिंग का ये वाला जो हेलमेट है SBA 1 का हार्डली एक मिनट भी नहीं लगता है ये निकाल के डालने में, जो मैंने अब तक उसको फिक्स भी नहीं किया उसको 5 मिनट तो लगता है। इसका वाइजर चेंजिंग का टेक्निक बेस्ट है, हार्डली 2 मिनट में हो जाता है। ये एरो को ये रेड में लाओ, पुल करो, निकालो, प्लेन वाइजर लो, डालो, वैसे ही सेम, बहुत ईजी टेक्निक है, बेस्ट। मेरे को तो ये टेक्नोलॉजी अच्छा लगा, बट क्या मालूम स्टील बर्ड ने SBA 2 में नया टेक्नोलॉजी ईजिएस्ट लाना चाहिए था, नहीं लाया। आप ही सोचो अभी हम लोग राइड करेंगे, ट्रिप करते रहेंगे, आप ही बोलो अभी हम लोग क्या स्क्रू निकाल के वो लूज करो, वो निकालो और गलती से एक पार्ट गिर जाए, या समझो स्क्रू गिर जाए और अगर मिलेगा नहीं, ऐसा ना होएगा, बट अगर हुआ तो सोचो क्या करना पड़ेगा राइड में। तो ये SBA 2 का वाइजर चेंजिंग का प्रोसेस बहुत ही घटिया है। लास्ट स्टील बर्ड ने वही रखते थे या थोड़ा डिफरेंट करते थे, बट अभी क्या बोलने का, जैसी जिसकी सोच। आजकल बहुत ही स्टील बर्ड की कॉपीज आने लगे, तो स्टील बर्ड ने एक अच्छा नया टेक्निक यूज़ किया है हेलमेट के वाइजर के कवर पे, उन लोग ऐसे एक बार कोड देते हैं अपने को। स्टील बर्ड का एक ऐप आता है iOS और एंड्रॉयड के लिए, आप वो डाउनलोड करके ये जो स्कैन कर सकते हैं और इधर स्क्रैच भी कर सकते हैं, बट और ये मैं स्कैन करके आपको बताता हूँ। गाइज आपने देखा कि ये जो हेलमेट है ओरिजिनल है, ये स्कैन करने के बाद आपने देखा। गाइज अभी हम लोग हेलमेट के सब टेस्ट करने वाले हैं, बहुत से सुनने हैं कि हेलमेट 80 के ऊपर जाने के बाद वॉबल होता है, थोड़ा देखूंगा, थोड़ा इसको टेस्ट करूंगा कि कैसा है एंड ऑल, रेनी सीजन में भी आप पहन सकते हो क्या नहीं, तो वही गाइज। चलो
गाइस अभी बात करते हैं कि हेलमेट कैसा परफॉर्म किया स्पीड रन में। अगर आप 70-80 के ऊपर जाते हो तो हेलमेट वॉबल होना चालू करता है, तो वही मैंने भी भगा ऑलमोस्ट 95 गया। अभी मेरे को मालूम नहीं है एल साइज है इसके लिए वॉबल हो रहा था या किसके लिए, बट मैंने भी ये बैंडाना भी पहना है पर फिर भी ये हेलमेट वॉबल हो रहा था। और एक प्रॉब्लम क्या है गाइस, जब हम लोग ये वाइजर बंद करते हैं तो इधर इसको किधर वेंट नहीं है, अगर 80 के ऊपर जाता तो हेलमेट के अंदर से ऐसा आवाज़ आता है, वो क्या मालूम अभी किधर से आता है। हेलमेट बोलेगा तो आप रेनी सीजन में तो कोई दूसरा हेलमेट तो नहीं ले गया, ऐसा तो नहीं होता है। तो अभी रेनी सीजन के लिए हेलमेट वर्थ है क्या नहीं देखने के लिए अभी हम लोग को करना पड़ेगा वाटर टेस्ट। वाटर टेस्ट तो इधर नहीं कर सकते, चलो अभी वाटर टेस्ट करने जाते हैं। वाटर टेस्ट के लिए क्या क्या जुगाड़ करने पड़ रहे हैं, रेनकोट वेनकोट पहन लेते, चलो टेस्ट करते हैं अभी। मेरा पूरा फोन बिक गया। सो गाइस ये था इस हेलमेट का वाटर टेस्ट। ये होल्स में पानी डाला, ये जो दिख रहे होल्स इसके वेंट्स, इसके अंदर पानी डाला, फिर बाद में इधर भी पानी डाला। मेरे को लगा इधर से पानी आएगा, ये जो नीचे वाला ये गैप दिख रहा है इधर भी पानी डाला, मेरे को लगा कि उधर से भी पानी आएगा बट नहीं आया। मैंने जितना भी पानी डाला बहुत फोर्स से डाला फिर भी पानी नहीं आया। ये हेलमेट वाटर टेस्ट में तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और हाँ मेरे हिसाब से ये हेलमेट रेनी सीजन में यूज करने लायक है, बेस्ट हेलमेट होगा ये रेनी सीजन में। तो SBM में क्या होता था, मैं राइडिंग करता था रेनी सीजन में, जो उसका गैप्स रहता है इधर का उधर से पानी लीक होते रहता था, इसलिए वो रेनी सीजन के लिए इतना अच्छा नहीं है, बट ये हेलमेट गाइस रेनी सीजन के लिए वर्थ है। गाइस ये था मेरा वीडियो, गाइस आई होप आपको ये हेलमेट के बारे में पता चल गया होगा कि कैसा हेलमेट है एंड ऑल, ये वर्थ है क्या नहीं। अगर आप मेरे को पूछोगे कि आप ये हेलमेट लेना चाहिए क्या नहीं, तो मैं तो बोलूंगा यस आप ये हेलमेट ले सकते हो। अगर आप ये हेलमेट सिटी कम्यूट के लिए यूज कर रहे तो ही, नहीं तो ये हेलमेट राइड्स के लिए तो काम ही नहीं है। मोटो ब्लॉगर्स के लिए तो बिल्कुल काम का हेलमेट नहीं है, क्योंकि इसमें आपको चीप माउंट लगाने को बहुत जुगाड़ करना पड़ेगा। लगा सकते हैं जुगाड़ है बट वही जुगाड़ करना पड़ेगा, वो स्ट्रैप्स आते हैं उससे भी आप लगा सकते हैं बट वो स्ट्रैप से तो आपको शेकी वीडियो मिलेगा, तो साइड माउंट तो कोई यूज नहीं करेगा, हेड माउंट पे तो इसको माउंट करने जैसा है नहीं। कर सकते मैं बोला जुगाड़ करके कर सकते हो, बट अभी आप हेलमेट ले रहे हो तो जुगाड़ करके माउंट वाउंट लगाना वर्थ नहीं है, तो वही मोटो ब्लॉगर्स के लिए तो बिल्कुल काम का हेलमेट नहीं है। करते हैं ये हेलमेट की रेट की, ये हेलमेट का रेट है 2500। ये 2500 में आप ये हेलमेट लेते हो, अगर आपका आप थोड़ा आपका बजट इंक्रीज करते हो 300 ऐड करते हैं आपका बजट होता है फिर 2800 का, और आप 2800 में एक अच्छा डॉट सर्टिफाइड हेलमेट ले सकते हो, बहुत अच्छा हेलमेट मिलेगा आपको 2800 में। बजट 2500 है तो 300 और डालो, और ये हेलमेट के लिए आप जाने का सोच रहे हो तो 300 और इन्वेस्ट करो और डॉट सर्टिफाइड हेलमेट के लिए जाओ। वो तुम्हारा बजट 2500 भी नहीं है 2800 भी नहीं, अगर आपका बजट 2K है बेस्ट, मैं तो बोलूंगा मेरे तरफ से आप जाओ स्टीलबर्ड SBA 1 को, बेस्ट हेलमेट है, बिना देख के वो हेलमेट ले लो, बहुत अच्छा हेलमेट है, बस एक्यूरेट साइज लेना। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि SBA 1 वाले हेलमेट के लिए जाओ, बेस्ट हेलमेट अंडर बजट। हमने तो ये इधर आई बटन में वीडियो आएगा वो देख लो समझ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद, ये वीडियो इधर नहीं एंड होगा, अभी ये हेलमेट अपने को दिया किसने वो भी तो बताना है, चलो अभी मिलते हैं वो जगह पे। सो गाइस अभी हम लोग ये बाइकर्स पैराडाइज के थे, सेकंड बाइकर्स पैराडाइज, तो ये शॉप है किशोर भाई का, तो अभी अंदर किशोर भाई है, अभी हम लोग उनसे मिलेंगे। मैं एक्चुअली हेलमेट रिटर्न करने आया हूँ तो अभी मिला तो किशोर भाई से, चलो किशोर भाई है इधर। किशोर भाई हेलो राहुल, आपको पता चला कि पिछले वीडियो में क्या हो गया था, मैंने सब शेयर किया है, मैं बोला वो किशोर भाई वो यही है। थैंक यू किशोर भाई, बहुत थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, इनके वजह से ये रिव्यू वीडियो बन पाया, नहीं तो नहीं बन पाता था, उसके लिए वापस एक बार थैंक यू बोलता हूँ। मैं जितना भी थैंक यू बोल रहा हूँ उनके लिए कम ही है। बोला वैसे सेकंड बाइकर्स पैराडाइज, तो फर्स्ट स्टोर है इन लोग का वो साइड में, तो ये इन लोग का सेकंड स्टोर है। फर्स्ट स्टोर का अगर वीडियो आपको देखने का इधर आई बटन में इधर तो मिल जाएगा आपको, और ये आपको सेकंड स्टोर के बारे में किशोर भाई कुछ बता देंगे। ये जो स्टोर है मेरा, यहाँ पे हम लोग सिर्फ राइडिंग एक्सेसरीज रखते हैं, इसमें आपका फैंसी एक्सेसरीज वगैरह हो गया, हैंड गार्ड्स है, मिरर्स है, पॉलिश वगैरह है, सैडल बैग्स भी है,
ये सब है इधर, बुलेट्स के सब हेडलाइट ग्रिल्स वहाँ का स्टोर है, वहाँ पे हम लोग सब ब्रांडेड रखते हैं, सी अप रोड राइडिंग जैकेट, यहाँ पे नीगार्ड वगैरह सब है, यहाँ पे भी एक्सेसरीज में इधर काफी कुछ है, आपको मैं बता देता हूँ, एग्जॉस्ट मैकव्हील वगैरह यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा, राइडिंग एक्सेसरीज, स्ट्रोब लाइट, लाइट्स, फॉग लैंप्स, भाई का एक वीडियो देखा होगा जिसमें मेरा दूसरा स्टोर का उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है, तो उधर काफी एक्सेसरीज, उधर भी सी अप्रूव्ड जो जेन्युइन एक्सेसरीज है उधर काफी सारी है मेरे पास। सो गाइस जो दूसरा स्टोर है, आपने अगर वीडियो नहीं देखा रहेगा मैं वापस एक बार बोलता हूँ, इधर आई बटन में आपको मैं किधर तो दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे आपको वो स्टोर का वीडियो मिल जाएगा, बहुत अच्छा स्टोर है, उधर से मैंने जैकेट लिया था तो बहुत अच्छा स्टोर है, एक बार आप विजिट करो बस, और ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा, और ये भी स्टोर है, इधर भी आ सकते हो आप, इधर भी बहुत सारे एक्सेसरीज है, अगर आपको कुछ एक्सेसरीज चाहिए बाइक्स वाइक्स की, आप जैसे कि किशोर भाई ने बताया कि इधर एक्सेसरीज भी बहुत है, तो आपको अगर देखने का रहेगा तो एक्सेसरीज इधर आओ, वो भी स्टोर पर एक बार विजिट करो, इधर से हार्डली 2 मिनट्स पे वो स्टोर आके, वो भी आप स्टोर देख सकते हैं, बहुत अच्छा है, आपका रिव्यू बहुत अच्छा ही होगा, उनको पसंद आया उनका, गाइस देखते रहिए इनका वीडियो, ये बहुत अच्छे से बनाते हैं, जेन्युइन वीडियो बनाते हैं, प्लीज। सो यस गाइस, तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप आपको ये रिव्यू वीडियो पसंद आया होगा, और वंस अगेन थैंक्स अ लॉट सनशाइन गैस और किशोर भाई, उनकी वजह से ये वीडियो बन पाया, नहीं तो ये नहीं बन पाता, तो सो आई होप आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए बस, इतना ही बोलने वाला हूं, दैट्स इट फॉर टुडे, तो चलो नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय, चलो।